नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को एक और चुनाव में बड़ा झटका लगा है। चुनाव में एनसीपी ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने का डर सताने लगा है। एक तरफ किसानों को कानून समझाने वाले भारतीय जनता पार्टी नेताओं और मंत्रियों का किसान जमकर विरोध कर रहे हैं, और उन्हें इतना ही नहीं, उनको गांव से उल्टे पाँव लौटा भी दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को इस किसान आंदोलन के चलते डर सताने लगा है। भारतीय जनता पार्टी को 40 लोकसभा सीटों पर नुकसान का डर सताने लगा है। इस डर से अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बड़े नेताओं ने बड़ी बैठक की। वहीं राकेश टिकैत ने अभी अभी एक बड़ा ऐलान करके मोदी सरकार की एक और टेंशन बढ़ा दी है। जी हां दोस्तों, दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी किसानों के समर्थन में डट कर खड़े हैं तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को। और साथ ही, क्या तीनों कृषि कानून सरकार को वापस ले लेना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह खबर आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके। जी हां दोस्तों, लगातार किसान 3 महीने से दिल्ली के बाड़ों पर डटे हुए हैं और लगातार तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार अब तक इन किसानों की बात नहीं सुन रही है, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। अब किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान भी हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को डर भी सताने लगा है। पहले तो पंजाब निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन के चलते बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब 40 लोकसभा सीटों पर किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का डर सताने लगा है। नुकसान का डर भारतीय जनता पार्टी को सताने लगा है। उससे पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र के सांगली में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। एक और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एनसीपी ने मात दे दी है। जहां आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने सांगली मिराज कुपवाड़ा नगर निगम में महापौर की सीट पर कब्जा कर झटका दिया है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में थी। एनसीपी के दिग्विजय सूर्यवंशी को नगर निकाय का महापौर निर्वाचित किया गया था। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के 5 पार्षदों ने उनके पक्ष में मतदान किया था। एनसीपी के जिला अध्यक्ष संजय बजाज ने बताया कि नगर निकाय में 78 सदस्य हैं। निर्वाचन के दौरान एनसीपी उम्मीदवार को 39 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के धीरज सूर्यवंशी को 36 मत मिले। एनसीपी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के ही 5 पार्षदों ने एनसीपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 मतदान में अनुपस्थित रहे। इससे पहले नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 43 थी, जबकि एनसीपी के पास महज 34 सदस्य थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 5 पार्षदों ने एनसीपी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया तो एनसीपी के पास 39 वोट हो गए और भारतीय जनता पार्टी के 43 से घटकर 36 हो गए। एनसीपी जिलाध्यक्ष ने बताया कि एनसीपी मतदान के दौरान 7 मतों का प्रबंधन करने में सफल रही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के उमेश पाटिल को उप महापौर चुना गया है। तो इस तरह से इस चुनाव में भी एनसीपी ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने से माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। पहले राजस्थान निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पंजाब निकाय चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सात निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली, लेकिन अब किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को 40 लोकसभा सीटों पर नुकसान का डर सताने लगा है। जी आपको बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार के लाए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब देश की जाट बेल्ट की ओर से बढ़ता और असर छोड़ता दिख रहा है। यही वजह है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया है। उनकी चिंताएं बढ़ने लगी है। उन्हें इस आंदोलन से लगभग 40 लोकसभा सीटों पर नुकसान होने का डर सताने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को नई दिल्ली में इसी मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नेताओं के साथ पंजाब में बैठक की।
सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं से कहा कि वे अपने 3 कृषि कानूनों के लाभ को किसानों के बीच जा जाकर समझाएं और इस कैंपेन को चलाने में नेता तेजी लाएं। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर लें कि जो लोग किसानों को कथित तौर पर गुमराह कर रहे हैं उन्हें बराबर लोगों से जवाब दिलवाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेताओं को इसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का किसानों ने जमकर विरोध किया था। इतना ही नहीं, खाप चौधरी ने उनसे मिलने से इनकार भी कर दिया था। और साथ ही उत्तर प्रदेश के शामली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के गांव में घुसने पर रोक भी लगा दी गई थी। और इससे पहले भी किसान गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नो एंट्री का पोस्टर लगा चुके हैं, जिसमें मुख्य तौर पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नेता और जेजेपी के लिए किसानों ने पोस्टर लगाते हुए पोस्टर में लिखा कि इस गांव में भारतीय जनता पार्टी नेताओं और जेजेपी के नेताओं का आना सख्त मना है। अब भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में नेताओं को यही समझाए कि कृषि कानूनों के लाभ समझाने के लिए नेता अपने कैंपेन में तेजी लाएं। यही वजह है कि किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी को करीब 40 लोकसभा सीटों पर नुकसान का डर सताने लगा है। द इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक सीनियर नेताओं ने मीटिंग में रेखांकित किया कि जाटों में असंतोष के कारण इन्हीं क्षेत्रों में करीब 40 लोकसभा सीटों का नुकसान हो सकता है। ऐसे में पार्टी यह सुनिश्चित करे कि यह आंदोलन आगे न फैले। नेताओं ने कथित तौर पर कहा कि लेफ्ट के प्रोफेशनल आंदोलनकारी प्रदर्शनकारियों को उकसा रहे हैं और उन्हें कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेता ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आंदोलन और तेज न हो, लेकिन वहीं किसान इस आंदोलन को और बढ़ाने में तेजी कर रहे हैं। ये कान खोल कर सुन ला दिल्ली आदमी, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे, ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी, हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में, वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा उसमें। अब भारतीय किसान यूनियन मोर्चा के प्रवक्ता एवं नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने ऐलान करते हुए कहा कि अब किसान संसद का घेराव करेंगे, 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचेंगे। इसको लेकर राकेश टिकैत ने कड़ी चेतावनी दी। जी हां, कदर किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर कहा कि जब तक केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा। साथ ही यह भी कहा कि वहाँ 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने किसानों से तैयार रहने को भी कहा, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। जी आपको बता दें, मंगलवार को राकेश टिकैत राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान पंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कान खोल कर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही है और ट्रैक्टर भी वही होंगे, अब की बार आह्वान संसद घेरने का होगा, कहकर जाएंगे संसद पर, इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। आपने सुना, राकेश टिकैत ने सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार 26 जनवरी की तरह 4 लाख ट्रैक्टर नहीं बल्कि दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे, हम संसद घेरने के लिए आह्वान करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तो हम संसद घेरने का आह्वान करेंगे। और साथ ही राकेश टिकैत ने किसानों को तैयार रहने को भी कहा है। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं है। साथ ही राकेश टिकैत ने सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती दी। चुनौती देते हुए कहा कि सरकार ने 3 कृषि कानून वापिस नहीं लिए
और MSP लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान करेगा। इसके लिए संयुक्त मोर्चा जल्द तारीख भी बताएगा। आपको लगातार राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान किसानों के महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को राकेश टिकैत राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा के किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी कि यदि मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तो हम आह्वान करेंगे कि 40 लाख ट्रैक्टर के साथ किसान दिल्ली में घुसें और संसद का घेराव करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें, कोकीन केस में भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता गिरफ्तार किए गए हैं। पामेला गोस्वामी ने भारतीय जनता पार्टी के इस नेता को फंसाने का आरोप लगाया था। जी हां, आपको बता दें, कोकीन केस में भारतीय जनता पार्टी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें पूर्वी वर्धमान से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे थोड़ी देर पहले ही कोलकाता पुलिस ने राकेश सिंह के दो बेटों को हिरासत में लिया था। पुलिस की टीम ने राकेश सिंह के घर छापेमारी की और 3 घंटे की छानबीन के उनके दो बेटों को हिरासत में ले लिया। बाद में दोनों बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सर्च के दौरान ड्यूटी में जो अफसर थे उनको रोकने की कोशिश करने की वजह से दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि कोकेन कांड में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी ने राकेश सिंह पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया था। 19 फरवरी को बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी को कोकेन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पामेला ने बीजेपी के ही नेता राकेश सिंह पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया था। पामेला ने कहा कि इस पूरे मामले की CID से जांच करवाई जानी चाहिए और साथ ही राकेश सिंह की गिरफ्तारी की भी पामेला ने मांग की थी। पामेला ने कहा था कि मेरे पास एक ऑडियो भी है, साफ साफ आरोप लगाया था कि राकेश सिंह ने उन्हें इस मामले में फंसाया है। यहाँ तक कि नहीं, पामेला गोस्वामी ने कहा था कि विश्वसनीय सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि मेरे साथ साजिश की गई है। साजिश के तहत ही कोकीन के साथ फंसाया गया। हालांकि अब पामेला गोस्वामी के बाद पुलिस ने राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस जरूर कुछ न कुछ उगलवाएगी और तब साफ हो पाएगा कि आखिर पामेला गोस्वामी असली कसूरवार है या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश सिंह। यह तो पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें।